दोस्तों, हुआवे लेके आ गया है अपना एक स्मार्टफोन जो कि फोल्डेबल है सैमसंग के तरह ही। मैंने इस चीज़ को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि कोई ना कोई कंपनी है जो कि फोल्डिंग फोन बना के हाइड करके रखे हुए है और वो वेट कर रही है किसी कंपनी का। दोस्तों, मैंने तो कहा था एप्पल के बारे में, बट अभी आ गया है हुआवे। तो जानेंगे इसके बारे में, क्या है इसके फीचर्स और क्या क्या होने वाला है इस फोल्डिंग फोन के अंदर, तो ये आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है F1 टेक सपोर्ट में। दोस्तों, सैमसंग ने जब अपना फोल्डिंग फोन लॉन्च किया था तो मैं ये समझ रहा था कि शायद एप्पल जैसी कंपनी आएगी वापस और सैमसंग को जवाब देगी फोल्डिंग फोन के मामले में। बट यहाँ पे अभी माजरा जो है थोड़ा उल्टा हो गया है। सैमसंग को चैलेंजिंग करने के लिए हुआवे ने अपना फोल्डिंग फोन लॉन्च कर दिया है। ये तो आपको पता ही होगा, आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चल गया होगा। बट अगर आपको नहीं पता चला है तो आप हमारा चैनल देख ले F1 टेक सपोर्ट, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अगर सैमसंग के कंपैरिजन में हुआवे के बारे में, तो हुआवे ने बिल्कुल एकदम चोरी चोरी चुपके चुपके की तरह एकदम बिल्कुल से सैमसंग को जवाब दे दिया है हुआवे मेट एक्स मॉडल लॉन्च करके। और ये जो मॉडल है वो 8 इंच का मॉडल है। और अगर हम बात करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि इसके सिस्टम में क्या क्या है, तो बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो है सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है, किरे 980 इसमें चिपसेट लगा हुआ है। रैम की बात करते हैं तो 8 GB का रैम इसमें हमें देखने को मिल जाता है। बट हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और जबकि हम कंपेयर करें सैमसंग में, तो सैमसंग में इंफिनिटी डिस्प्ले आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। कैमरा की बात करते हैं, हुआवे ने जो अपना फ़ोन लॉन्च किया है उसके कैमरे की अगर हम बात करें, तो हुआवे का जो कैमरा जो लीक्स अभी निकल के आया है लॉन्चिंग के बाद, तो हमें पता चला है कि 40+16+18 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें लगा हुआ है। अगर बात करते हैं स्टोरेज की, तो 56 GB का स्टोरेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा हुआवे में। पर दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि अगर सैमसंग ने जो फ़ोन लॉन्च किया है और उसके बाद हुआवे ने फ़ोन लॉन्च किया, तो अब हमें जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, यानी कि फ्यूचर जो हमने कल परसों के वीडियो में अगर बात किए थे, तो फ्यूचर हमारा आ गया है फोल्डिंग फ़ोन का। यानी कि अब देखिए, आप देखेंगे कि सारे जो भी कंपनी है वो फोल्डिंग फ़ोन ही बनाना शुरू कर देंगे। तो खैर, देखते हैं कौन कौन सी कंपनी फोल्डिंग फ़ोन बनाती है, और हमें तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, हमें अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि प्राइस बहुत ही मैटर करता है। अभी जनरल होने में, यानी कि सबके हाथों तक पहुंचने में से बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन होने वाला है। अगर हम हुआवे की बात करें तो ये फ़ोन जो है तकरीबन 2 लाख रुपए का फ़ोन होने वाला है। टक्कर भले ही देगा सैमसंग को, लेकिन सैमसंग इसके कंपैरिजन में, इन्होंने सैमसंग ने सस्ता फ़ोन का प्राइस रखा, बट हुआवे ने बहुत महंगा प्राइस रखा है। इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ इंडिया में 100% लॉन्च होगा ही, बट ये अभी श्योर नहीं है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हम हुआवे मेटेक्स की बैटरी की लाइफ के बारे में। तो इसमें जो स्क्रीन है उस हिसाब से बैटरी इन्होंने 4500 mAh का दिया है। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर टक्कर देनी होती तो इनको कम से कम 5000+5000 mAh प्लस बैटरी इनको रखना चाहिए था। बट अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे स्मार्टफोन में ये बैटरी होने वाला है। मैं तो एक अपना ओपिनियन दे रहा था आपको दोस्तों, यानी कि सोचने वाली बात है। मैं सैमसंग को भी कहूँगा कि सैमसंग को भी इसमें 5000+ mAh की बैटरी को इनबिल्ट करना चाहिए था। जैसे आप देख लीजिए कि एसूस के जितने स्मार्टफोन है 5000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। मैं वेट करूँगा एसूस स्मार्टफोन कब फोल्डिंग फ़ोन बनाएगा। वैसे हमारा एसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 और आईफोन का गिवअवे चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आप देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। गिवअवे अभी चल ही रहा है, बस 1000 लाइक की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हुआवे मेटेक्स के चार्जर के बारे में। तो इसमें चार्जर, इसमें 55 वाट का चार्जर मिलेगा जो कि फास्ट चार्जर है। बट टाइप सी इसमें है या नहीं है अभी श्योर नहीं है फ्रेंड्स। यानी कि अभी जो लीक्स निकल के सामने आए हैं, जो रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, ये फिलहाल इसमें टाइप सी होने की संभावना कम है। लेकिन 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 मुझे ऐसा लगता है कि टाइप सी इसमें ज़रूर होगा, बिल्कुल 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 होने वाला है। अगर हम हुआवे की बात करें तो हुआवे ने इसका प्राइस 2 लाख रुपए रखा है। बट क्या समझ के इन्होंने 2 लाख रुपए रखा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों।
देखने वाली बात होगी और हम इस चीज़ को देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ हुआवे और सैमसंग का मैंने एक तरीके से कंपैरिजन से कर दिया। दोनों कंपनी है, देखते हैं इंडिया में कौन कब आता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।